गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। टुडे इज़ अ न्यू डे एंड टुडे इज़ अ न्यू चैप्टर। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्लासेस एंड चैप्टर इज सिक्स एंड चैप्टर नेम इज मल्टीप्लीकेशन। MULTI मल्टी एंड PLICATION मल्टीप्लीकेशन। टुडे इज़ डेट 17 अगस्त 2020 एंड डे मंडे। सो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या अपनी क्लास। ध्यान से आप मेरी बातों को समझिएगा और देखिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। हाँ, अगर आपको वीडियो देखने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कोई भी क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हो। ओके, लेट स्टार्ट आवर क्लास। रीड अंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लीकेशन। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझें किसे। मल्टीप्लीकेशन मीन्स होता है, इसको इस तरह के साइन से मेंशन करते हैं। ये क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, ये आपका प्लस हो जाता है एंड ये आपका माइनस हो जाता है। ओके, अब आपका क्या मल्टीप्लीकेशन बताना है। हेयर आर टू ग्रुप्स ऑफ बैलून्स। हेयर आर टू ग्रुप्स ऑफ बैलून, ये देखिए हमारे टू ग्रुप्स के क्या हैं, बैलून्स हैं। ओके, एंड फाइव बैलून्स इन ईच ग्रुप। हर ग्रुप में हमारे कितने बैलून्स हैं, फाइव। काउंट करते हैं 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, फिर से पढ़ लेंगे। हेयर आर टू ग्रुप ऑफ बैलून एंड फाइव बैलून्स ईच ग्रुप। ओके, टोटल नंबर ऑफ बैलून। अब टोटल नंबर ऑफ बैलून हमारा क्या हो गया, देखिए ये फाइव एंड यहाँ पे भी हमारे कितने हैं, फाइव। तो अब इसको अगर ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, 5 + 5 = 10 बैलून्स। ओके, अब देखेंगे दिस फाइव इज एडेड टू टाइम। फाइव को हम लोग कितने टाइम्स में एडेड किए, टू, क्योंकि यहाँ पे फाइव बैलून्स था और यहाँ पे भी हमारे क्या थे, फाइव बैलून्स को मैंने क्या किया ऐड, तो हमारे कौन सा नंबर बना, 10। दिस इज सेम एज 2 × 5। इसी तरह हमने सेम एज क्या किया, 2 × 10। हेंस 5 + 5 हमारा क्या हो गया, 10। बट अब हम ऐसा क्या करें कि मल्टीप्लीकेशन में 10 हो जाए। जैसे 5 + 5 हमारा 10 हो गया, तो हमने 2 का टेबल अगर 5 टाइम्स पढ़ा वो भी 10 हमारा हो गया। जैसे और किसी टेबल में हमारा 10 नहीं आएगा, 10 के टेबल में 1 टाइम्स में ही आ जाएगा, लेकिन 2 टाइम्स करना है क्योंकि 5 हमारा 2 टाइम्स में है। तो 2 × 5, तो 2 × 5 = 10। ओके, नेक्स्ट अब एडिशन सेंटेंस। एडिशन सेंटेंस 5 + 5 = 10 एंड मल्टीप्लीकेशन सेंटेंस को हमें यहाँ पे 10 ही लाना रहता है। इट्स मीन 2 × 5, 2 × 5 हो गया। 5 किस बेसिस पे हुआ, क्योंकि हमारे ये 5 बैलून है। ठीक है, और कितने पेयर्स में है, 2 पेयर्स में, तो 2 pairs × 5 बैलून, तो 2 × 5 = 10। नेक्स्ट देयर आर 4 सेट ऑफ एप्पल्स। कितने सेट्स हमारे एप्पल के हैं, 4 सेट, 1, 2, 3, 4। ईच सेट हैज 6 एप्पल। हर सेट में कितने एप्पल हैं, 6। जैसे काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, देयर आर 4 हैं तो 6 हैं। ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, ये 6 एप्पल, ये 6 एप्पल, ये 6 एप्पल एंड ये 6 एप्पल। तो हमने यहाँ पे लिखा ना 6 + 6 + 6 + 6। अब 6 × 6 = 24 होता है, सॉरी 6 × 4 = 24 होता है, ये हमें पता है। 6 × 4 = हमारा क्या होता है, 24 होता है। ठीक है, अब अगर हम 6 को 4 टाइम्स में ऐड करेंगे तो हमारा 24 आएगा। 6 को अगर हम 4 टाइम्स में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24। 6 इज एडेड 4 टाइम्स। ठीक है, तो मैंने ऐड किया 6 + 6 + 6 = 24 एप्पल्स इन ऑल एंड 6 इज एडेड 4 टाइम्स। और 6 इज एडेड 4 टाइम्स। अब इन शॉर्ट इट कैन बी रिटन एज 4 × 6 = 24। अब कैसे हुआ, 4 टाइम्स हमारा क्या है, 4 टाइम, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स है, हमने 4 लिख दिया। सेकेंड, 1 ग्रुप में कितने हैं, 6 है, तो 4 × 6, तो 4 × 6 = 24। ओके, रीड एज 4 × 6 × 24 और 4 × 6 = 24। ओके, नेक्स्ट रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन। रिपीटेड एडिशन इज एज मल्टीप्लीकेशन। अब देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 2 + 2 + 2 + 2, कितने टाइम्स हमारे लिखे हैं, 2, 1, 2, 3, 4। तो अब क्या लिखेंगे, 2 added 4 times is the same as 4 × 2। इट्स मीन
ये हम टू को जितना ऐड करेंगे, ये देखिए इस टू को मैंने फोर टू को जो लिखा है ऐड किया, तो हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा एट, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट आता है। तो मल्टीप्लीकेशन में एडिशन में भी ऐड करेंगे, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, एट आ गया। ठीक है, टू एडेड फोर टाइम्स, टू को हमने फोर टाइम्स में ऐड किया तो एट आया, और सेम एज फोर इंटू टू हमारा फोर क्या है, फोर टाइम्स हमने टू लिखा है, और कौन सा नंबर है टू, तो फोर इंटू टू, फोर टू आर फोर टाइम्स टू, इट्स मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एट। ओके, आपको इस तरह नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जो मैंने इस लॉजिक से बताया है ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, आपको आसानी से आ जाएगा। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन क्लास असाइनमेंट सिक्स से, इसे आपको कहाँ पे करना है, बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पे देखिए एडिशन फॉर्म में लिखना है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है, आपको पता है कैसे है। अब देखिए ये काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आपका ये भी सिक्स है और ये भी सिक्स है। ओके, और कितने फ्लावर्स के सेट्स हैं, टू, वन एंड टू, वन सेट्स में हमारे कितने हैं, सिक्स। ठीक है, अब एडिशन फॉर्म में लिखना है, तो ये सिक्स प्लस सिक्स, अब सिक्स प्लस सिक्स हमारा क्या होता है, ट्वेल्व। हमें सॉल्यूशन नहीं लिखना है, ये याद है, सिर्फ हमें एडिशन फॉर्म लिखना था, तो सिक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ट्वेल्व होता है, ये एडिशन फॉर्म। अब हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, क्या लिखना है, मल्टी, हमारे फ्लावर्स के सेट कितने हैं, सिक्स, टू सेट्स हैं लेकिन सिक्स फ्लावर के, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सिक्स। ठीक है, अब कितने सेट्स हैं हमारे, वन एंड टू इंटू टू, अगर हम सिक्स प्लस सिक्स करते हैं ऐड तो हमारा टू आता है, और अगर हम सिक्स इंटू टू, मल्टीप्लीकेशन भी कह सकते हैं, अगर हम सिक्स का टेबल टू टाइम्स पढ़ लें, जैसे सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स जा टू जा ट्वेल्व। अब इसी तरह, अब आपको जैसे सिक्स की टेबल नहीं आती है इन केस, ऐसे आपको लर्न है, तो टू की टेबल को भी हम सिक्स टाइम्स रीड कर सकते हैं, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व। ओके, नेक्स्ट, ये देखिए बॉक्सेस हैं ग्रुप वाइज, वन टू थ्री एंड वन टू थ्री, अब हम पहले से मेंशन कर लेते हैं, थ्री है तो ऑब्वियसली थ्री प्लस थ्री, एडिशन में तो हमारा यही बनेगा, अब मल्टीप्लीकेशन में करना है, तो ये कितने हैं, वन टू थ्री, थ्री ग्रुप में है, एंड कितने बॉक्सेस के सेट्स हैं, टू, तो थ्री इंटू टू, थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स होता है, एंड थ्री इंटू टू इट्स मीन थ्री वन जा थ्री एंड थ्री टू जा सिक्स, ईजी है ना, सेम इसी तरह होगा। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कितने बैलून्स के सेट्स हैं, पहले हम देखेंगे सेट्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर सेट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फोर लिख लेते हैं, फोर सेट्स हैं तो हम फोर लिख लेंगे इजी वे में। अब हर सेट्स में कितने बैलून हैं, वन टू थ्री, कितने बैलून हैं, थ्री बैलून्स हैं। ठीक है, हमारे फोर सेट्स हैं लेकिन कितने बैलून हैं, थ्री, थ्री सेट्स, सॉरी फोर सेट्स हैं, हमें यहाँ पे फोर नहीं लिखना है। ठीक है, थ्री सेट्स हैं, कितने टाइम्स है, फोर टाइम, तो थ्री वन थ्री प्लस सेकेंड थ्री प्लस थर्ड थ्री प्लस फोर्थ थ्री, हमारा ग्रुप लिखना था सिर्फ, ये थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर। ओके, फोर का अब इसमें कोई काम नहीं है, अब हम थ्री को फोर टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ट्वेल्व। ओके, अब हमें इसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में करना है, किसे, ये हमारे कितने ग्रुप के बैलून हैं, वन ग्रुप में कितने बैलून हैं, थ्री, तो यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे, थ्री, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन का साइन। अब देखेंगे कितने ग्रुप इसमें बने हुए हैं, वन टू थ्री एंड फोर, इट्स मीन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फोर। अब थ्री का टेबल फोर टाइम्स पढ़ लें, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व। ओके, अगेन हम आपको समझाते हैं, देखिए ये आपका क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दो ग्रुप हैं, टू आपके ईच ग्रुप्स बने हुए हैं, लेकिन वन ग्रुप में सिक्स रोजेज हैं एंड वन ग्रुप में सिक्स हैं, तो हम क्या लिख देंगे, सिक्स प्लस सिक्स। अब इसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में बनाएंगे तो ये आपका क्या होगा, सिक्स एक ग्रुप में, लेकिन कितने ग्रुप्स बने हुए हैं, टू, तो सिक्स इंटू टू। ओके,
सेम ईयर 1, 2, 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा, प्लस ये भी आपका क्या है 1, 2, 3, 3 लिखा। अब इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बनाया तो 3 हमारा ये है 1, 2, 3, पर कितने सेट्स हैं 2, तो 3 × 2 कर दिया। सेम ईयर ये हमारा कितना है, एक ऐसे ग्रुप में 3 बैलून्स हैं, 1, 2, 3, 4 हैं, तो 4 टाइम्स हमने क्या लिखा है 3, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स लिखा है। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मैंने 3 लिखा इनटू कितने टाइम्स में ग्रुप बने हुए हैं 1, 2, 3, 4, तो 3 × 4। इसे आपको क्लास वर्क कॉपी में करना ही है, सॉरी इसे आपको बुक में ही करना है विथ डेट, क्लास वर्क डे मेंशन करके। हाँ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है।